I would now like to invite on stage Gajendra Singh Shekhawat ji to please come to the podium. Gajendra Singh Shekhawat ji is the Union Minister for Jal Shakti in the Government of India. We welcome you, sir, for your opening remarks. His Holiness Param Pujaniya Shri Shri Ravi Shankar ji, Sabhagar mein upasthit, the CEO of the channel Kartikeya Sharma ji, Sabhagar mein upasthit Israel ke Rajdut और इस सभागार में उपस्थित सारे पितातुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथियों, यहां इस पवित्र प्रांगण में आकर के एक बात मैं आज विश्वास के साथ में कह सकता हूं गुरुदेव, कि हिंदुस्तान में बूंद आखिरी बूंद कभी नहीं होगी। निश्चित ही पानी का खतरा दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से आबादी बढ़ी है एंड द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, लेकिन और क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, 18% आबादी दुनिया की हमारे पास है, लगभग 20% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन भारत में है और केवल 4% पानी भारत में है। बहुत बड़ी चुनौती दुनिया की चुनौती के सामने भी देखें तो दुनिया से भी ज्यादा बड़ी चुनौती शायद भारत के सामने है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगा कि भारत में आखिरी बूंद कभी नहीं होगी और उसका कारण है। और कारण यह है कि भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, विज्ञान के युग क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, विकास के विभिन्न आयाम जितने भी हो सकते हैं, या दुनिया में सफलता जिन आंकड़ों से, जिन पैरामीटर्स पर आंकी जाती है, उन सारे पैरामीटर्स पर भारत देश के नागरिक जो सम्मान हम 130 करोड़ भारतीयों को बार बार जिस सम्मान के साथ में जीने का अधिकारी बनाते हैं, और आज राष्ट्र 70 साल में या 100 साल में प्रगति करते हुए जिस मुकाम पर पहुंचा है, निश्चित ही सरकारों ने, सब सरकारों ने, जो कोई भी कभी भी जो सरकार रही होगी, अपने अपने दृष्टिकोण से इस मुकाम तक देश को पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया होगा। लेकिन इसका और अधिक बारीकी से यदि अध्ययन करें तो जिस किसी भी ऐसे पैरामीटर या इंडिकेटर पर सामाजिक संस्थाओं ने या समाज को लीड करने वाले ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने जब उस क्षेत्र की कमान संभाली और उसमें काम करना प्रारंभ किया, तो निश्चित ही उस क्षेत्र ने और भी ज्यादा प्रगति की है। ऐसे सामाजिक संस्थाओं ने जो काम किया है उसने राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को इस मुकाम तक, इस आयाम तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। और उसी योगदान की ताकत पर आज मैं कह सकता हूं कि जब मैं बेंगलुरु के इस पवित्र प्रांगण में खड़ा होता हूं और मैं देखता हूं कि किस तरह से पानी को लेकर, विषय को लेकर के ऐसे समाज के इन्फ्लुएंसर लोग, हिज हॉलिनेस श्री श्री रविशंकर जी से लेकर के दक्षिण भारत में यदि मैं देखूं जगी वासुदेव जी से लेकर के अनेक लोग, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग और समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब इस दृष्टिकोण से सोचने लग जाए, जब जन की चर्चा और चिंता का विषय कोई भी विषय, आज हम जल के विषय में बात कर रहे हैं, जब कोई भी विषय जन की, आम जन की चर्चा और चिंता का विषय बन जाए तो उस विषय की सफलता को 100% सुनिश्चित होती है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और भारत के परिप्रेक्ष्य में यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमें लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी हर साल बरसात के या बर्फ के माध्यम से मिलता है, वॉट एवर द रेनफॉल एंड द स्नोफॉल व्हाट वी गेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द वाटर व्हिच वी रिसीव फ्रॉम द इंटरनेशनल बेसिन्स फ्रॉम नेपाल एंड चाइना एंड तिब्बत। जो पानी हमको मिलता है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स,
जो जियो स्पेशियल कंडीशन है उसके आधार पर लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स उसमें से पानी जो है हार्वेस्टेबल है। लेकिन आप सबको आश्चर्य होगा कि देश के सबसे बड़े बांध से लेकर के और गांव का सबसे छोटा पोखर, क्योंकि मैं देख रहा था जब परम पूजनीय गुरुजी जब मुझे दिखा रहे थे झील, ये तो बहुत बड़ी है, गांव का छोटे से छोटा पोखर जिसकी कल्पना कर सकते हैं, छोटा सा तालाब, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पॉन्ड जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो भी भारत की कुल सरफेस पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस देन 250 BCM अगेंस्ट 2000 BCM वाटर व्हाट वी रिसीव्ड एवरी ईयर। एंड मैंने अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया कि मैं देश के सांसदों के सामने ये विषय रखूं। मैंने एक प्रश्न पूछा कि हमारे देश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जिस जिस क्षेत्र से लोग आए थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बांध को सबसे बड़ा मानते हुए ऐसे उदाहरण दिए। किसी ने कहा श्रीशैलम बांध सबसे बड़ा है, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा जो है भाकड़ा नांगल बांध बड़ा है, सरदार सरोवर के बारे में गुजरात के लोगों ने चर्चा की, हर एक ने अपने इस दृष्टिकोण से बताया। मैंने उनको बताया कि देश का सबसे बड़ा बांध जो है वो हमारी धरती माता है। सबसे ज्यादा पानी यदि कहीं रिटेन होता है और किया जा सकता है वो इस धरती के अंदर किया जा सकता है। आज भी जो हमारी कुल मिलाकर के जो हमको पानी मिलता है, जैसा मैंने कहा 250 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ओवर द ग्राउंड है, और उसको अगर मैं एक्यूमुलेट करूँ जो पेरिनियल रिवर्स पर बने हुए हैं उसमें भी, तो जो वैज्ञानिक जो मानते हैं उसके हिसाब से लगभग 1.5 times पानी हमको मिलता है। 375 BCM पानी हमारा जो है टोटल यूटिलाइजेबल वाटर दैट कम्स थ्रू द सर्फेस रिजर्वर्स, बट उसमें से एवोपरेशन लॉसेज ये वो थ्रू द कैनाल्स में जब जाता है लीकेज सीपेज सब मिला लूँ तो रेवेन्यू वाटर अगेन इट कम्स टू 250 BCM, बट द मदर अर्थ गिव्स अस 450 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर एवरी ईयर एंड दैट इज रेप्लेनिशेबल। बट वॉट वी आर डूइंग, हम ओवरड्रॉ कर रहे हैं लगभग 1.5 गुना, 750 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी हम एक साथ निकालते हैं। दुनिया में जमीन में से कुल जितना पानी निकाला जाता है उसका 25% से ज्यादा अकेले भारत में हम निकालते हैं, 25% पूरी दुनिया का। और जितना पानी कुल हमें जमीन पे आज से हमको मिलता है, पानी जमीन में जितना आज की तारीख में समाहित होता है उससे 1.5 गुना पानी हम निकाल रहे हैं। एंड बिकॉज वे एंड सिंस आर 65% डिपेंडेबिलिटी इज अपॉन अंडरग्राउंड वाटर, सो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एरिया वेयर वी हैव टू वर्क। एंड आई एम सो ग्लैड सो हैप्पी कि जब मैं सुनता हूं कि 42 नदियों पर एक साथ गुरुदेव के नेतृत्व में 42 नदियों पे एक साथ रिवर रिजर्वेशन पे काम हो रहा है, यही मुझे लगता है कि यही एक मार्ग है। इसराइल के एम्बेसडर यहां बैठे हैं, हाई कमिश्नर। इसराइल लगभग हम लोग सब साथ साथ में अस्तित्व में आए, भारत को आजाद हम हुए, अस्तित्व में आने की चर्चा तो मुझे नहीं करनी चाहिए। 1947 में हम आजाद हुए, 1945 में इसराइल हमारे साथ साथ में अस्तित्व में आया। इसराइल देश में 110 मिलीमीटर लगभग एवरेज बरसात होती है, 110 मिलीमीटर एवरी ईयर इन इसराइल दैट द रेनफॉल इज। पूरा इसराइल का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो एकदम सूखा है, एरिड एरिया है, और सेमी एरिड एंड द रिमेनिंग लैंड इज ए मार्शी लैंड। लेकिन इसराइल ने दुनिया में एक 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 नजीर पेश की, दुनिया में एक मिसाल कायम की, और आज इसराइल जो है दुनिया में वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन का दर्जा प्राप्त कर चुका है। दे आर एक्सपोर्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू देयर नेबरिंग कंट्रीज जॉर्डन एंड सीरिया। कैसे कर पाए? द फादर ऑफ द नेशन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट बेन गुरियन साहब, वेन ही एड्रेस इज इंजीनियर्स कि हमको अगर पानी का समाधान खोजना है तो डेजर्ट में जाकर के ढूंढना पड़ेगा, और इसराइल की जो परिस्थिति है कि ओसिन ऑफ गैलीली, जो सी ऑफ गैलीली है, वहां से लेकर के पानी वो जो है डाउन साउथ में लेकर के पानी लेकर के आते हैं, उस ट्रंक लाइन को कि उस ट्रंक लाइन में से पानी चोरी नहीं हो, रिसाव नहीं हो, उसके लिए दे आर डिप्लॉयड लोगों को कि हर एक आधा आधा किलोमीटर तक कोई ना कोई लोग का आदमी लगाया हुआ था जो पानी की उस पाइपलाइन की चिंता करता था कि उसमें से कहीं लीक नहीं हो। एक जगह पानी में से ड्रॉप्स गिर रही थी
और उस ड्रॉप्स वहां पे एक छोटा सा पौधा खड़ा था, वो पौधा धीरे धीरे बनते बनते बड़ा पेड़ बन गया और उन्होंने पाया कि अगर पानी की सुरक्षा प्राप्त करनी है तो हमको इरिगेशन पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। 1962 दे अडेप्टेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और उसके कारण से उनका पानी की खपत जो है सबसे कम हो गई। अभी मैं परम पूजनीय गुरु जी से बात कर रहा था कि डिमांड साइड मैनेजमेंट पर तो हमको काम करना पड़ेगा और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यहां केवल सप्लाई साइड के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम किया जा रहा है। तो दुनिया में जो पानी की प्रोडक्टिविटी की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पानी किसी एक फसल को उगाने के लिए अगर उपयोग होता है तो वो हिंदुस्तान में होता है। एक किलो चावल उगाने के लिए हमको 5600 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि चीन उतना ही चावल, एक किलो चावल 350 लीटर पानी में उगाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह टेक्नोलॉजी कि इतने कम पानी में चावल उगाया जा सकता है 20 साल पहले हमारे वैज्ञानिक इन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन हम आज तक भी उसको डिसिमिनेट नहीं कर पाए, उसको फार्मर तक नहीं पहुंचा पाए। जरूरत है कि हम उस दृष्टिकोण से काम करें। लेकिन इसराइल ने केवल पानी बचाने से नहीं, दूसरी काम है कि हम पानी का रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, रीयूज कैसे कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन कैन बी वन आइडिया। आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान जहां देश में सबसे कम बरसात होती है, बिल्कुल सुदूर पश्चिम रेगिस्तान, जैसलमेर और जोधपुर। अगर आप में से कुछ लोगों को जाने का अवसर मिला हो, मैं उस क्षेत्र को का निवासी हूं और मेरे यहां ट्रेडिशनली एक एक बूंद जो पानी गिरता था बरसात का, उस बूंद हर बूंद पानी को अंडरग्राउंड रिजर्वायर में हमारे यहां सहेजने की सिस्टम था, उसको हम टांका कहते थे। और 12 महीने 365 दिन वो जो एक बरसात में पानी घर में इकट्ठा होता था, उससे 12 महीने उस घर के पीने का पानी, रसोई का पानी और बाकी महिलाओं के बाल धोने का पानी, इन तीन के काम का पानी उसी से उपयोग होता था। गांव की जो कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी थी, गांव का तालाब था, उस तालाब का जो कैचमेंट एरिया था पूरा गांव उसकी रक्षा करता था, उसकी सफाई, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता सब कुछ बनी रहे, गांव उसकी, पूरे गांव उसकी जिम्मेदारी के साथ में काम करता था। और वो व्यवस्था जो है पूरे गांव को वाटर सस्टेनेबिलिटी पूरे साल भर के लिए देती थी, जबकि बरसात कुल मिलाकर के 150 मिलीमीटर होती थी। लेकिन वे व्यवस्थाएं धीरे धीरे टूट गई। मैंने एक बार अपनी दादी मां से पूछा कि पानी इस भारत देश में जहां जल को जगदीश माना गया, नदियों को देवी के रूप में पूजा गया, तालाबों की पूजा की गई, वाटर रिसोर्सेज को भगवान के रूप में माना गया, उस देश में यह परिस्थिति क्यों आई? तो उन्होंने एक बहुत, वो कम पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पानी जब से नल से घर में आने लगा तब से हमने जो है, क्योंकि वो रोज घर में आने लग गया इसलिए उसकी इज्जत कम होगी, उसकी प्रतिष्ठा कम होगी। पहले हमको उसे सहेजना पड़ता था, उसे संभालना पड़ता था, वो रोज अपने आप घर में आता है इसलिए उसकी इज्जत खत्म हो गई है। हमको वापस उसकी इज्जत की, उसकी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित करना पड़ेगा। एक एक बूंद जो पानी बरसात से आती है उसको हमको सहेजना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज रिसाइकल ऑफ वाटर, रीयूज ऑफ वाटर। इसराइल, क्योंकि इसराइल के जो है यहाँ हाई कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, इसलिए मेरे मन में यह विषय आया। इसराइल 94% पानी को रिसाइकल करता है, जितना पानी उनके घर से निकलता है। आपके और मेरे घर में से जितना पानी हम टोटल इनलेट होता है उसमें से वापस लगभग 80% पानी वापस घर से बाहर निकलता है। उस 80% पानी को इसराइल, पूरे पानी को लगभग 94% पानी को वापस रिसाइकल करके रीयूज करता है। एंड आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उसके बाद में दुनिया में सेकंड नंबर पर जो देश है उसकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी 34% है। हमारे यहां तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी 20% से कम है, और अगर मैं टोटल उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन के लेवल पर जाऊं तो 10% है। और वो कारण है कि हमारी नदियां जो है आज दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियां हैं। हमारी नदियां सबसे ज्यादा जो है जिनके पानी की क्वालिटी इंडेक्स पर सबसे पुअर है, इसलिए हमको रिसाइकल के ऊपर काम करना पड़ेगा। सरकार ने उस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया। अभी कार्तिकेय चर्चा कर रहे थे गंगा नदी की, गंगा की शुद्धता के लेकर के, पवित्रता को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम करना प्रारंभ किया, 5 साल के इस मिशन मोड के काम में आज मैं ये कह सकता हूं, इस मंच पर खड़े होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की नदियां पूरी दुनिया की, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई की नदियों में
10 पहली साफ नदियों में आज हमारी गंगा नदी है. और मैं अभी गुरुदेव को कह रहा था कि अब जब आप अगले कुंभ में जाएंगे तो आप गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक कहीं भी पानी उठा करके आचमन कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति गंगा की होगी. ये मैं आज यहां पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता. दो दिन पहले हम कानपुर में थे. कानपुर में नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग थी. प्रधानमंत्री जी को बताया गया कि किस तरह से हमने गंगा में कानपुर में जो पोल्यूशन होता था टैनरीज के कारण से, और एक बहुत बड़ा नाला जो एशिया का सबसे बड़ा सुवेज डिस्पोजल इन डायरेक्ट डिस्पोजल इन रिवर था, 128 साल से 14 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन रॉ सुवेज सीधा गंगा नदी में जाता था, आज एक बूंद भी पानी नहीं जाता. जिस कानपुर के गंगा नदी के पानी में एक भी किसी भी तरह का जीव नहीं था, क्योंकि वहां डिजॉल्व ऑक्सीजन जीरो पर था. आज डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वहां 8-9 से ऊपर है, और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां प्रधानमंत्री जी ने खुद कल देखी हैं, परसों अपने आंखों से देखी है जाकर के. हम उस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, लेकिन सब नदियों पर एक साथ इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है. और जैसा मैंने कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि गुरुदेव के नेतृत्व में संस्थान 42 नदियों पर काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि यही एक प्रेरणा बनेगी कि पूरा देश इस दृष्टिकोण से काम करने लगेगा. तीसरा जो विषय है, रिसाइकल के बाद में, रीयूज के बाद में जो तीसरा विषय है, वो विषय है कि हम वाटर यूज एफिकेसी को बढ़ाएं. जैसा मैंने प्रारंभ में चर्चा की, क्या हमारे पानी जो है सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव वाटर है, हमको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है. और इस दिशा में काम केवल सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता, समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दायित्व को समझे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर लेकर के काम करना प्रारंभ करेंगे, तभी इस दिशा में काम हो सकता है. निश्चित ही सरकार की कुछ योजनाएं भी उसके लिए उत्तरदायी हो सकती हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन सब योजनाओं के वापस पुनर्विचार करते हुए उस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को इसमें साथ आना पड़ेगा. एंड द फोर्थ थिंग इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट इजराइल हैव यूज्ड एंड व्हाटसोएवर हूसोएवर विश टू हैव अटेन द वाटर सॉवरेनिटी और वाटर सिक्योरिटी, उनको उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा. जैसा मैंने कहा कि 65% हमारी डिपेंडेबिलिटी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर पर है, जमीन के पानी के ऊपर है. और उस 65% डिपेंडेबिलिटी होने के कारण से आज हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो मिलियंस मिलियंस ईयर्स में जो है वो रिचार्ज बने थे, एक्वीफर्स बने थे, वो एक्वीफर्स जो हैं वो ड्राई अप हो रहे हैं. 6,881 ब्लॉक्स जिनको हम मॉनिटर करते हैं रेगुलर लेवल पे, उसके 24% ब्लॉक्स, 1511 से ज्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो सेमी क्रिटिकल या क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड की कंडीशन में आज हैं. निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौती है. कार्तिकेय से जब मैं बात कर रहा था, इन्होंने चिंता व्यक्त की, और लोकसभा में मुझे बहुत बार प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट किया है कि 21 शहर जो हैं वो डे जीरो की स्थिति में आ जाएंगे, वहां पानी नहीं होगा. हालांकि मैं उनकी उस रिपोर्ट से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिन 21 शहरों का उन्होंने उल्लेख किया उसमें से 16 शहर ऐसे हैं जिनमें ड्यूअल बेस ऑफ वाटर सप्लाई है, ड्यूअल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है, जहां जमीन का पानी केवल 5% ही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे मेरा शहर जोधपुर हो, या और कोई भी शहर हो, वहां दोहरे सोर्सेज से पानी आता है. इसलिए ऐसी डे जीरो जैसी कंडीशन कम से कम आने वाले समय में वहां नहीं आएगी. लेकिन फिर भी देश में भूजल का जो है, जमीन का जल समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है. और यदि उस स्थिति को उल्टा करना है तो केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है. सिंस अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज आर इनविजिबल सोर्सेज, हम उनको देख नहीं सकते, इसलिए आम व्यक्ति को जो जमीन से पानी निकालता है, चाहे वो इंडस्ट्री निकाल रही है, चाहे किसान निकाल रहा है, या हम घर के उपयोग के लिए निकाल रहे हैं, हमको ये जानकारी नहीं है कि हमारी जमीन में कितना पानी है. हम ये सोचते हैं कि जमीन में पानी अथाह पानी है, हमारा काम चल रहा है, निकल रहा है, एक थोड़ा नीचे चला गया है, एक पानी का पाइप और डाला जा सकता है, एक 10-20 फीट डेप्थ में पानी डालेंगे, मिलता रहेगा अगली जनरेशन तक. लेकिन वो पानी लगातार समाप्त हो रहा है. और समस्या ये थी कि देश में एक्वीफर्स की स्टडी नहीं थी. और मैं यहां खड़े होकर के धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मुझसे पहले जिन्होंने इस मंत्रालय को समझा संभाला, आदरणीय नितिन गडकरी जी को, कि उन्होंने देश का एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम शुरू किया. और मैं यहां खड़े होकर प्रसन्नता के साथ मैं कह सकता हूं कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्वीफर मैपिंग हम कर चुके हैं,
और हम स्टेट्स को आने वाले समय में 3D मैपिंग के साथ में जो है 3D कंटूर्ड मैपिंग सरफेस मैपिंग के साथ साथ में सारे स्टेट्स को और जो 256 स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सबसे ज्यादा चुनौती है जहां अंडरग्राउंड वाटर्स आज की तारीख में क्रिटिकल स्थिति में उन 256 जिलों का आने वाले अप्रैल 2020 तक हम उनको ओवर द सरफेस 3D मैपिंग और अंडर द सरफेस जो है एक्वीफर का मैपिंग करके हम उनको देंगे कि आप इसके आधार पर अपनी जो है एक्वीफर रिचार्ज की प्लानिंग करें और वहां केवल सरकारें नहीं कर पाएंगी क्योंकि दुनिया का जैसे मैंने इसराइल की बात की जहां कहीं भी सफलता मिली है वहां पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज द की फैक्टर और अपने देश में भी हम इसराइल को अगर एक बार इसराइल के उदाहरण को एक तरफ छोड़ दें भारत में भी हमको सब तरह की सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेंगी इंडिविजुअल ड्रिवन एक आदमी ने खड़ा होकर के काम करना प्रारंभ किया मैं अनेक उदाहरण ऐसे दे सकता हूं एक आदमी लक्ष्मण सिंह राजस्थान में गांव लामपोड़िया बिल्कुल बिना पढ़ा आदमी 30 साल पहले उस आदमी ने अपने गांव में जिस गांव की परिस्थिति यह थी कि उस गांव में पीने का पानी एक बूंद भी नहीं था जमीन का पानी इतना खारा था कि चिड़िया अगर बाहर निकाल के रख दें पी ले तो वो मर जाएगी इतने खारे पानी का गांव बरसात के पानी पर निर्भर कहीं कोई किसी तरह का पानी का कोई सोर्स नहीं उन्होंने अपने गांव में एक चौका पद्धति चौका सिस्टम की खेत के किनारे पर 1 फीट गहरा और लगभग 20 फुट चौड़ा और 50-60 फुट लंबा ऐसे जो है ट्रेंचेस बनाई जिसमें बरसात का पानी रन ऑफ होकर के भरता था 30 साल बाद में मैं खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं वो गांव वाटर सिक्योर गांव है उस गांव में 3 फसल की क्रॉप्स होती हैं कुओं में पानी है और पूरी घास होती है और केवल वो एक गांव नहीं तो लक्ष्मण सिंह की प्रेरणा से केवल वो एक गांव नहीं उस लामपोड़िया गांव छोटा सा गांव शायद 700-800 लोगों की आबादी होगी उससे प्रेरणा लेकर के गुरुदेव 58 गांव उसके आसपास के जो हैं वो वाटर सिक्योर हो गए पंचायत ड्रिवन सिस्टम भी ऐसी ढूंढी जा सकती हैं रालेगन सिद्धि से लेकर के और मैं बहुत सारे हिवरे बाजार तक इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं समय की सीमितता है मुझे बहुत लंबा नहीं करना चाहिए संस्थाओं के द्वारा किया हुआ मुझे लगता है कि इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती और इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता कि एक संस्था ने खड़े होकर के काम हाथ में लिया 42 नदियों का पुनरुद्धार कर दिया मुझे लगता है कि इससे सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता मैं खड़े होकर के कहीं बात करूं राज्यों ने भी इस दिशा में काम किया मैं जिस राज्य से आता हूं राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पिछली सरकार ने ली राजस्थान जो सबसे ज्यादा ड्राई स्टेट है जहां सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस कंडीशन है अंडरग्राउंड वाटर्स की कंसर्न सरकार ने तय किया एक जन आंदोलन के रूप में उसको बनाया सरकार के प्रत्येक व्यक्ति से लेकर के हर गांव पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथ में जोड़ा और मैं गर्व के साथ में यह बात कह सकता हूं कि राजस्थान में जो डाउनटर्न पानी जमीन का पानी कम होने का जो क्रम था वो उल्टा हुआ है और राजस्थान में पिछले 5 साल में 1 मीटर पर एनएम की रेट से ओवरऑल पूरे राजस्थान में वाटर टेबल राइज होने लगा इट्स एन एग्जाम्पल स्टेट ड्रिवन का जो है सुजलाम सुफलाम गुजरात में किया महाराष्ट्र की सरकार ने अपने यहां पर जलयुक्त शिविर कार्यक्रम किया जिन जिलों में यह कार्यक्रम हुआ निश्चित रूप से वहां प्रगति हुई है आंध्र प्रदेश ने नीरू चेट्टू कार्यक्रम लिया अनेक प्रदेशों ने अपने अपने दृष्टिकोण से कार्यक्रम लिया जिस सरकार ने इस दृष्टिकोण से काम किया इस पूरे मिशन मोड में काम किया वहां परिवर्तन सामने आए इसलिए ऐसे सारे उदाहरण लेकिन अब समय है कि इनको बहुत तेजी से आगे विस्तार करने की आवश्यकता है किसी भी मिशन की सफलता के लिए जो 4-5 चीजों की आवश्यकता है पहली आवश्यकता है कि पॉलिटिकल विल हो हम सब ने देखा है कार्तिकेय अभी अपनी बातचीत में बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में 30 जून को जब पहली बार मन की बात में अपने मंच जो है रेडियो के माध्यम से देश को चर्चा की पानी के विषय में गंभीरता के साथ में उन्होंने बात की पानी के विषय की गंभीरता को उन्होंने देश के सामने रखा
उसके बाद 2.5 लाख सरपंचों को सीधे पत्र लिख करके गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए डेडिकेटेड ग्राम सभा करने का आह्वान किया। 2 लाख, 1.5 से 2 लाख के बीच में ऐसी ग्राम सभाएं हुई, परिणाम आया, जल शक्ति अभियान लिया, देश के सारे जो है जॉइन सेक्टर एंड अबाव ऐसे सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा करके उनके साथ में टेक्निकल टीम्स को जोड़ करके 256 स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में एक एक टीम भेजी गई। 1 करोड़ से ज्यादा जो MIS पे जो स्टेट्स ने रिपोर्ट किया, मैं कह सकता हूं 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए और 1 करोड़ से ज्यादा नए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या नए जमीन में पानी जा सके उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाने का काम 3 महीने में हुआ। केवल जन आंदोलन बनाने की विषय, सरकार पॉलिटिकल विल हो, पब्लिक स्पेंडिंग हो कि सरकार पैसा खर्च करना प्रारंभ किए करे। देश की सरकार ने घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम लिया है, हर घर जल, जल जीवन मिशन, देश में 18 करोड़ कुल मिलाकर के ग्रामीण परिवार हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आज 70 साल के बाद में भी केवल 1800 में से घर ऐसे हैं, ओनली 18% ऑफ द फैमिलीज आर हैविंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर एक्सेस इन देयर होम्स, केवल 18%, 3 करोड़ परिवार है। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि अगले 5 साल में हम हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और ये केवल संकल्प सिर्फ पीने का पानी पहुंचाने के लिए नहीं, उसके साथ में सोर्स सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करें और साथ में जो ग्रे वाटर घर से निकलेगा उस ग्रे वाटर के ट्रीटमेंट करके उसका वापस रीयूज हो, इसको इसके साथ में इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस स्कीम जोड़ा। 3.25 लाख करोड़ रुपए की स्कीम के जो की है बजटरी एलोकेशन के साथ में एक काम प्रारंभ किया है। और तीसरी चीज है पार्टनरशिप्स, और पार्टनरशिप्स तो फिर मैं ये कहूंगा कि जब मैं यहां खड़े होकर के बात कर रहा हूं कि जब समाज का ऐसी संस्थाएं पार्टनरशिप के लिए साथ आती हैं, दुनिया के सारे देश पार्टनरशिप के लिए साथ में आते हैं, तो निश्चित ही परिणाम आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, और पीपल्स पार्टिसिपेशन बने, वो जो है जन आंदोलन बने, ये बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम यहां से यही प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम पानी का सदुपयोग किस तरह से हो, पानी का पुनः उपयोग किस तरह से हो और पानी किस तरह से जमीन के अंदर जा सकता है, इसके लिए हम सब लोग यहां से प्रेरणा लेकर के जाएं, यहां से जो है प्लेज लेकर के जाएं। और मैं आखिरी बूंद के लिए जो है कैंट आरओ को, क्योंकि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, और साथ ही साथ में ITV को, इन सबको और आर्ट ऑफ लिविंग सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण घटक है इस घटक पर इन्होंने काम करना प्रारंभ किया है। और ये प्रेरणा का पुंज जो यहां से निकलेगा, ये जो प्रेरणा का प्रकाश यहां से उत्सर्जित होगा, ये निश्चित ही इस देश को आखिरी बूंद की नौबत न आए ऐसी परिस्थिति में ला करके खड़ा करेगा। और इसीलिए मैंने विश्वास के साथ में कहा कि मैं यहां खड़े होकर के कह सकता हूं कि कभी इस देश में आखिरी बूंद नहीं आएगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा धन्यवाद। कार्तिकेय का बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं यहां आ सका और मैं गुरु जी का दर्शन कर सका। यहां जो कुछ काम हो रहा है उसकी थोड़ी सी झलक, हालांकि मुझे जस्ट ग्लिम्स मुझे दूर दूर से देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ में मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि मुझे यहाँ आकर के 1-2 दिन में जो काम वास्तव में हो रहा है उसे देखने की आवश्यकता है, ताकि मैं भी लोगों के बीच में जाकर के ये कह सकूं कि हमने काम जो है देश में इस दृष्टिकोण से काम हो रहा है, इस रास्ते में हम सब लोग भी मिल करके इस दृष्टिकोण से काम कर सकते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, जय हिंद।